आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले तुर्की और सीरिया में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री और राहत टीमें भेजी हैं, जो इमारतों के मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटी हुई हैं। भारत ने अपनी ये राहत सामग्री और टीमें वायुसेना के 5 C-17 ग्लोब मास्टर और एक C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए भेजी है, जिसमें मेडिकल से जुड़ी चीजों के अलावा एनडीआरएफ की टीमें हैं, डॉग स्क्वाड है, ड्रिलिंग मशीनें और कई जरूरी उपकरण हैं। इतना ही नहीं, तुर्की और सीरिया के हालात को देखते हुए आज भी वाराणसी से एनडीआरएफ की एक टीम भेजी गई है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके तुर्की और सीरिया के शहरों में लोगों की जान बचाने के लिए देवदूतों का मिशन जिंदगी युद्ध स्तर पर जारी। कहीं मलबे के ढेर से बच्चों को निकाला जा रहा है तो कहीं महिलाओं और बुजुर्गों को बचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ये वीडियो देखिए। इसमें मलबे में दबे इस मासूम बोतल के ढक्कन से पहले पानी पिलाया गया और फिर उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ऐसे ही न जाने कितने लोगों को अब तक मलबे के ढेर से निकाला जा चुका है, जिनमें गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मामूली रूप से घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद राहत शिविरों में रखा गया है, जहां इनके खाने पीने, दवाओं और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है। राहत और मदद के इस काम में कई संस्थाएं भी आगे आई, जो भूकंप पीड़ितों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि अभी भी हजारों लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिनकी तलाश के लिए कहीं डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है तो कहीं गैस कटर, ड्रिलिंग मशीन, क्रेन और बुलडोजर का इस्तेमाल मलबे को हटाने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर इमारतों के मलबे में कोई दबा है तो उसे फौरन बचाया जा सके। संकट की घड़ी में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए लगातार दुनिया के कई देश राहत सामग्री और राहत टीमें भेज रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आज भी वाराणसी से एनडीआरएफ की तीसरी टीम जरूरी चीजें लेकर तुर्की के लिए रवाना की गई है। हमारे लिए कल तक दो टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम तुर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भूकंप के तुरंत बाद से ही हिंदुस्तान की तरफ से तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश लगातार की जा रही है। इस काम में इंडियन एयरफोर्स अहम भूमिका निभा रही है, जिसके 5 C-17 ग्लोब मास्टर और एक C-130J हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। ये तस्वीर तुर्की से आई, जहां भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल असिस्टेंट्स एंड ड्रग्स एट द अर्लीस्ट फॉर दी पीपल ऑफ सीरिया हु आर अफेक्टेड बाय दी ट्रेजिक अर्थक्वेक। तुर्की की अपील पर मदद करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 70 से ज्यादा देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। हालात को देखते हुए तुर्की के 10 प्रांतों में 3 महीने तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है, ताकि बचाए गए लोगों को इन हालात के बीच बर्फबारी और बारिश का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की में किन किन देशों से राहत टीमें पहुंच रही हैं और भारत से भेजी गई टीमें तुर्की के किन किन शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात की गई हैं, इसी पर देखिए मेरे सहयोगी गौरव सावंत की इस्तांबुल से रिपोर्ट। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इस समय कई सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं, जैसे ये एक टीम है जो फ्रांस से आई है। ये
तबाही के उस मंजर में जो ध्वस्त हो चुकी है इमारतें, उनके खंडरों से उनके अंदर घुसकर लोगों को सुरक्षित निकालने में सक्षम है, इस तरह की इनके पास ट्रेनिंग है। हमारी कुछ देर पहले जोनाथन से बात हुई थी जो इस टीम के लीडर हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके पास इस तरह का अनुभव है। ये लोग इसीलिए जल्द से जल्द अडाना पहुंचना चाहते हैं। यहां पर इस तरह की कई टीमें हैं, एक और टीम यहां फ्रांस की आई हुई है, कुछ और टीमें कुछ और देशों की यहां मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, चाहे अडाना की बात करें या गाजियांटिप की बात करें या मराश की बात करें, ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो कई टीमें यहां पहुंच चुकी हैं, एक चौथी टीम अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने भी वाली है यहां इस्तांबुल, और फिर यहां से प्रशासन उनको बताएगा कि उन्हें कहां जाना है। अभी तक अडाना में एक फील्ड हॉस्पिटल भारत ने एस्टैब्लिश कर दिया है भारतीय सेना ने, उसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम गाजियांटिप पहुंच चुकी है। संभवतः जो और टीमें आ रही हैं वो मराश और प्रभावित इलाकों में भी जाएंगी। प्रयास इन सबका यही है कि इनको किसी ट्रांसलेटर के अलावा किसी तरह की लोकल मदद की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यहां पर ये देश इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है किस तरह से लोगों को सुरक्षित या जीवित और बचाया जा सके। तुर्की में भूकंप की तरफ तबाही मचाई गई, जिस तरह से तबाही मची है उसको 3 दिन हो चुके हैं। सोमवार को भूकंप आया था, त्रासदी की तस्वीरें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। तुर्की में करीब 7,000 लोगों की मौत के बीच भारतीय वायुसेना ने घायलों की जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े तारणहार को उतार दिया है। भारत की तरफ से अब तक 5 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर वहां भेजे जा चुके हैं। C-17 ग्लोब मास्टर तुर्की के लिए लगातार संकट मोचक की भूमिका में दिख रहा है। हर विपदा में ट्रबल शूटर की तरह खुद को साबित करने वाले ग्लोब मास्टर की खासियत भी हम जानेंगे। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मिलिट्री मालवाहक जहाजों में से एक है। भारतीय वायुसेना के इस जांबाज योद्धा में 4 इंजन लगे होते हैं। 4 इंजन वाला ये ट्रांसपोर्ट विमान एक बार में 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से ये एक बार में बड़े आराम से 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ान भी भर सकता है। ये विमान अपने साथ हथियारबंद वाहन, ट्रक और यहां तक कि M1 अब्राम्स युद्धक टैंक को भी ले जाने में सक्षम है। बोइंग की तरफ से विमान 4 इंजन से लैस है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत होता है कि इस पर राइफल या फिर छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता। करगिल, लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान बेहद आसानी से उतर सकता है। लैंडिंग के दौरान C-17 ग्लोब मास्टर को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो पायलट के इस्तेमाल के लिए रिवर्स गियर का भी इसमें प्रावधान है। C-17 ग्लोब मास्टर की लंबाई 174 फीट है जबकि उसकी चौड़ाई 170 फीट है। भारतीय वायुसेना के इस विमान की जमीन से ऊंचाई 55 फीट है। 3 लोगों के क्रू में 2 पायलट और 1 लैंडमास्टर होता है जो कि पिछले हिस्से से विमान में कार्गो चढ़ाता है, और इसी काबिलियत की वजह से C-17 ग्लोब मास्टर को किसी भी विपदा में लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है। और यही वजह है कि तुर्की में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भारत की तरफ से कई C-17 ग्लोब मास्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तुर्की और सीरिया में भेजी गई भारत की राहत टीमें किस तरीके से वहां पर काम कर रही है और आगे के लिए भारत की क्या है तैयारी, इसी को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। एक यूनाइटेड नेशंस का इंसराग प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, उसकी सर्टिफिकेशन होती है। हमारी ये 2 टीम्स उसी सर्टिफिकेशन की तैयारी में बहुत दिन से ट्रेनिंग कर रही हैं, तो सर्टिफाइड नहीं है लेकिन वो सारे प्रोटोकॉल्स जानते हैं, तो इसलिए वहां पहुंचने के बाद में जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, स्पेनिश टीम भी उस एरिया में है, उनसे हमारा अच्छा प्रोटोकॉल के साथ इंटरऑपरेबिलिटी है।
और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टीम्स हैं, जो सर ने बताया वहां पे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ टर्की के साथ, तुर्की के साथ जो डिस्कशंस हो रही हैं वो इसी से कोऑर्डिनेट हो रही हैं, वो भी डिफाइन कर रहे हैं कौन से एरिया में कौन सी टीम्स की जरूरत है, तो हम उनके साथ भी लियाज कर रहे हैं ताकि डुप्लीकेशन भी ना हो हमारे टीम्स की, और ऑफिसली जैसे सर ने कहा इंटरऑपरेबिलिटी भी पूरी तरह है। देखिए आई थिंक कुछ कभी हमें लगता है नंबर ऐसी हॉस्पिटल है मेडिकल है, ये बहुत बड़ा एक दो प्लेन्स में जाता है ये फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें 100 लोग करीब 99 लोग गए हैं इसमें, इसमें करीब 25 या 20 को 40 टन के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ा है। 30 बेडेड हॉस्पिटल जो बहुत जगह नहीं होती है ये सेटअप कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे, ऑफ कोर्स इनके एडिशनल भी हम जो उनको चाहिए मेडिकल असिस्टेंस उसके लिए भी प्रबंध है हमारे पास, बट ये मेजर हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है दूसरा भी हम भेज देंगे, पर जैसे उन्होंने कहा सर ने कि हमारे पास और भी बैकअप है, पर ये बहुत मेजर डिसीजन होता है और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय वायुसेना का तीसरा C-17 ग्लोमास्टर जल्दी ही कुछ देर में तुर्की के लिए उड़ान भरेगा, वो भी अपनी क्षमता और काबिलियत को साबित करेगा, और ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी कई मौकों पर जब अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा हमने भी C-17 ग्लोमास्टर का बाखूबी इस्तेमाल किया है। इस दौरान ये विमान दूसरे देशों के अलावा हमारी उम्मीदों पर भी पूरी तरह से खरा उतरा है। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कुछ घटनाओं के बारे में यहां पर मैं बताऊंगी जो C-17 ग्लोब मास्टर की क्षमता और उसकी योग्यता को साबित करती है। हाल ही की अगर बात की जाए तो फरवरी और मार्च 2022 में इन विमानों से 2000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन से समेत कई देशों से एयरलिफ्ट करके गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाए गए थे, जो यूक्रेन पर रूस की तरफ से थोपे गए युद्ध की वजह से फंस गए थे। साल 2021 की बात करते हैं, अगस्त का महीना जब तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो वहां सैकड़ों भारतीय फंस गए थे, और संकट की इस घड़ी में उन्हीं भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से करीब 600 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित एयरलिफ्ट करके वायुमार्ग के जरिए निकाला गया था। इस घटना से ठीक 3 महीने पहले की बात है, अप्रैल 2021 की, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान C-17 ग्लोब मास्टर विमान का उपयोग किया गया था, और ये वो वक्त था जब दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी डिमांड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। इससे पहले अक्टूबर 2020 की बात करते हैं, जब भारत चीन में तनातनी थी, तो भारतीय वायुसेना ने भी अपने सैनिकों के लिए रसद भेजने के लिए इसी विमान का इस्तेमाल किया था। तब दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में शामिल ये विमान बड़े आराम से भारत चीन बॉर्डर पर लैंड कर गया था। साल 2014, 8 साल पहले की बात है, बिहार में बाढ़ आई थी, C-17 ग्लोमास्टर विमान ही संकट मोचक बनकर सामने खड़ा था, सबकी मदद की थी, दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम लेकर रवाना हुआ था, बिहार पहुंचा था, जिसे कुछ दिनों तक के लिए अस्पताल का रूप भी वहां पर दिया गया था। बोइंग की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय वायुसेना में इस समय C-17 ग्लोमास्टर 11 है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल किया था। सिर्फ एक दिन में अमेरिका ने अपने इस विमान से 83 बच्चों समेत 823 अफगान नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 2013 में फिलीपींस में आए तूफान से अमेरिका ने इसी विमान से 670 लोगों को एक बार में ही एयरलिफ्ट किया। आगे बढ़ेंगे, बात प्रधानमंत्री की खास जैकेट की। आज जब प्रधानमंत्री संसद पहुंचे तो सबकी नजर उनकी जैकेट पर थी। वाकई ये जैकेट बहुत खास है, और इसकी वजह है ये ब्लू जैकेट ग्रीन संदेश देने के लिए बनाई गई है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए ये जैकेट बहुत अनोखी है। प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की खराब बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। क्या है इस जैकेट की खासियत और इसे कैसे तैयार किया गया है, देखिए। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एंट्री ली तो सभी की निगाहें उनकी जैकेट पर टिक गई। गौरव की अनुभूति हो।
ये नीले रंग की जैकेट है बेहद खास, क्योंकि ये कपड़े से बनी हुई नहीं है बल्कि जिन बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं उन बॉटल्स से बनाई गई है। यानी इस जैकेट को प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल कर बनाया गया है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस रिसाइकल पेट बॉटल से बने पेटा और जैकेट। नीले रंग की ये जैकेट 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई थी। प्रधानमंत्री की इस जैकेट को तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्रीरंगा पॉलीमर्स द्वारा तैयार किया गया है। कंपनी ने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 अलग अलग रंग के कपड़े भेजे थे, जिसमें से प्रधानमंत्री के लिए नीला रंग चुना गया। इसके बाद इसे गुजरात में प्रधानमंत्री के टेलर के पास भेजा गया, जिन्होंने इस जैकेट को तैयार किया। आप क्या यकीन कर पाएंगे, ये टी शर्ट पहले यह प्लास्टिक बॉटल था? हाँ, ये सच है। ये प्लास्टिक बॉटल को चिप्स या पैलेट्स किया जा सकता है, उसके बाद मेल्ट करके एक मोल्टन फिलामेंट बनेगा, उसके बाद उसको वीव करके एक यार्न भी करेंगे, उनके बाद ये टी शर्ट भी हो जाएगा। और ये है हाउ दिस टी शर्ट इज मेड। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहने हुए हैं उनको 18 प्लास्टिक बॉटल से किया जा रहा है। इसके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाई गई इस जैकेट को 16 से 18 खराब बॉटल्स से तैयार किया गया है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हर साल ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकिल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है, फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई ये जैकेट अभी एक सैंपल के तौर पर तैयार की है। जल्द ही कंपनी की पेट्रोल पंप पर तैनात इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म बनाने की भी योजना है। यानी जिन प्लास्टिक की बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर अब फैब्रिक तैयार किया जाएगा और उससे गारमेंट तैयार होंगे। इस कोशिश को कंपनी ने अनबॉटल्ड इनिशिएटिव नाम दिया है। लेकिन इससे पहले सैंपल प्रधानमंत्री की नीली जैकेट ने दिखा दिया है कि फैशन और सुंदरता की दुनिया में भी 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कारगर है। हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है, फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। 3R मिशन का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को दरअसल कम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर्यावरण को प्लास्टिक से कितना ज्यादा खतरा है इससे तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। प्लास्टिक को नष्ट होने में 500 से 700 साल का समय लगता है और इसके बाद भी प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है। यानी अब तक आपने जितने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है वो कम से कम 1000 साल बाद नष्ट होगा। प्लास्टिक की इस बुराई को जानने के बावजूद हर साल दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से केवल 1 से 3% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक से छुटकारा पाना
न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इसी मुहिम में हिंदुस्तान लगा हुआ है और इसके लिए 2030 का लक्ष्य भी हमने रखा है। और इसी कड़ी में इंडियन ऑयल पीटी बॉटल से गारमेंट बनाने के मिशन में जुट गया है। पीटी का मतलब है पॉलीथीन टेरिफ्लाइट, जो कि एक पॉलिस्टर का ही प्रकार है और इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर्स बनाने में होता है और इसे खाने वाली चीजों के लिए पैकेजिंग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हल्का और गैर प्रतिक्रियाशील किफायती होता है। और अब हम इन प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल गारमेंट्स में भी देख पाएंगे। प्लास्टिक बोतल से बने गारमेंट्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी आप जान लीजिए। पीटी प्लास्टिक को कलर में एक बूंद पानी में इस्तेमाल नहीं ये होता है, जबकि कॉटन को कलर करने में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। लेकिन पीटी बोतल से बने गारमेंट में डोप डाइंग का इस्तेमाल होता है। बोतल से पहले फाइबर बनाया जाता है और फिर इसे यान तैयार किया जाता है। यान से फिर फैब्रिक बनता है और फिर गारमेंट तैयार किया जाता है। मतलब यह है कि प्लास्टिक से बना कपड़ा पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इन बोतलों को रिहायशी इलाकों और समुद्र से कलेक्ट किया जाता है। टी शर्ट्स और शॉर्ट्स बनाने में 5 से 6 बोतलों का इस्तेमाल होता है। शर्ट बनाने में 10 और पैंट बनाने में 20 बोतलों का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस प्रयोग से पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिलने वाली है। पीटी बोतल से कपड़ा तैयार करने वाली कंपनी का दावा है कि कपड़ों पर एक QR कोड लगाया गया है जिसे स्कैन करके आप किस तरीके से गारमेंट तैयार हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स जान सकेंगे। और आधुनिक युग में बात तकनीक की कर लेते हैं। IIT रोपड़ ने एक खास तकनीक विकसित की है जो कपड़ा क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल 90% कम कर देगी और इस इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी को एयर नैनो बबल नाम दिया गया है। क्या है तकनीक, किस तरीके से टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये पानी के इस्तेमाल को कम करती है, चलिए आपको बताते हैं। ये तस्वीरें IIT रोपड़ के नए प्रयोग की है। IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई मशीन जो कम पानी सोखेगी। टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी के इस्तेमाल का समाधान करने के लिए IIT रोपड़ ने एक इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी एयर नैनो बबल विकसित किया है जो पानी की मात्रा को कम कर सकता है। इस नए प्रयोग के जरिए IIT रोपड़ का दावा है कि टेक्सटाइल में 90% पानी कम यूज करेगी एयर नैनो बबल तकनीक। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो सूती कपड़े का संशोधन करने के लिए 200 से 250 लीटर पानी की जरूरत होती है। लैब रिपोर्ट बताती है कि पानी में फैले हवा के नैनो बबल पानी की खपत और रासायनिक खुराक को 90 से 95% तक कम कर सकते हैं, जो आखिरकार 90% ऊर्जा की खपत को भी बचाता है। इस तकनीक को विकसित करने वाले डॉक्टर नीलकंठ निर्मलकर का दावा है कि कपड़ा उद्योग सबसे अधिक पानी की खपत वाले उद्योग में से एक है और पानी के प्रदूषण से जुड़े टेक्सटाइल उद्योग में पानी के इस्तेमाल की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। हमने जब डाई को डिग्रेड करेंगे वो डाई डिग्रेड होकर के वापस जो वाटर का फॉर्म है वो प्योर हो जाता है। तो वो वाटर तो हम यूज ही कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिसाइकल वाटर। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये बबल जो होता है ये बिल्कुल टाइनी होता है, छोटा छोटा। तो ये आपका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल अंदर भी जाएगा फैब्रिक के, तो इट डिस्ट्रीब्यूट द कलर वेरी यूनिफॉर्मली, तो उसमें भी वाटर बचेगा हमारा। और एट द सेम टाइम केमिकल को हम डिग्रेड कर सकते हैं आसानी से, वो भी है। तो इसलिए 90% वाटर को हम रिसाइकल कर सकते हैं, बचेगा 10% वो मेरे ख्याल से सॉलिड कुछ बच जाएगा, नीचे जो बच जाएगा सॉलिड वो बच जाएगा। IIT रोपड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के संरक्षण के लिए नए जमाने की प्रोसेसिंग विधियों की खोज की जा रही है।
इट्स अ केमिकल फ्री टेक्नोलॉजी, तो इटसेल्फ ये एक एनवायरनमेंट को जो सर्व कर रही है वो अब केमिकल्स ही नहीं हमें हम प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट को, तो पोल्यूशन भी मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे इसका बेसिक यूज हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में होता है, तो जैसे टेक्सटाइल वेस्ट वाटर है उसमें से जो भी पानी हमारा एफ्लुएंट जो निकलता है बाहर वो हमारे वाटर बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो हम उस वाटर को आप हमारे नैनो बबल टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर सकते हैं, सो दैट उसका 90-95% जो वाटर है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, जो गैस में पानी में घुलने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो इस बबल्स के थ्रू क्या है, जो बबल का साइज छोटा है वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, जिससे गैस की घुलने की क्षमता जो है पानी में बढ़ जाती है। टेक्सटाइल उद्योग में कपड़े की तैयारी के लिए आवश्यक कई चरणों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रंगाई, वस्त्र सबस्ट्रेट में रसायनों को खत्म करना, डिजाइनिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग और मर्चेंडाइजिंग शामिल है। इसके साथ ही टेक्सटाइल उद्योग गंदे पानी की सबसे अधिक मात्रा पैदा करता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रंगाई, छपाई और वस्त्र सामग्री की फिनिशिंग है। ऐसे में IIT रोपड़ का यह प्रयोग पानी के इस्तेमाल को कम करता है, जाहिर है ये एक क्रांतिकारी कदम है। रोपड़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां G20 सम्मेलन के मेहमान पहुंचने वाले, और इन मेहमानों के स्वागत के लिए यूपी के प्रमुख शहर जैसे लखनऊ, आगरा और वाराणसी सबको चमकाया जा रहा है, और इन मेहमानों के आवभगत के लिए यूपी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है, क्योंकि G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा यूपी में ही आयोजित होने जा रहा है, लिहाजा G20 सम्मेलन के जरिए योगी सरकार ब्रांड यूपी को दुनिया के बड़े देशों के सामने स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। नवाबों के शहर लखनऊ को रंग बिरंगी लाइट्स, खूबसूरत फूलों और चमचमाती मूर्तियों से और ज्यादा सजाया और संवारा जा रहा है। ये तैयारी की जा रही है G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए। वैसे तो लखनऊ की खूबसूरती और खानपान का हर कोई मुरीद है, लेकिन जब बात इतने बड़े आयोजन की है तो राज्य की योगी सरकार इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हर चौक चौराहे और फुटपाथ को चमकाया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स पर रंग बिरंगी झालरों की सजावट देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कालिदास मार्ग पर है, यानी कि 5KD CM आवास, और अब आप यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर जो बेहतरीन तरीके से यहां पर सजाया गया है इन चौराहों को, इन रोड्स को। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप यहां पर देखेंगे जो पोल लाइट्स लगे हैं, यहां पर आप देखिए कि झालरों को लगा दिया गया है। कैमरामैन संदीप आपको विजुअल दिखा रहे हैं, इधर देखें या आप इधर देखें, दोनों ओर आपको यहां पर सजी हुई झालरें नजर आएंगी, और आप सामने अगर झालरों के बीच में आकार देखेंगे तो आपको नमस्कार नमस्कार करते हुए एक आकृति नजर आएगी। और ये स्पेशल लाइट्स जो हैं ये बाहर से मंगवाई गई हैं, जिनको लगाया गया है, यानी कि ये दर्शा रही हैं कि जो भी गेस्ट आए हैं, जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं, उनका लखनऊ, उनका उत्तर प्रदेश स्वागत कर रहा है। दरअसल G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है, जिसमें 11 कार्यक्रम होने हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन फरवरी, अप्रैल, जून और अगस्त में होगा, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी से आगरा में होगी। यहाँ एग्जीक्यूटिव ग्रुप की बैठक की जाएगी। आयोजन 9 से 10 फरवरी तक होगा। इसके बाद लखनऊ में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 13 से 15 फरवरी के बीच होगी, जबकि सबसे ज्यादा कार्यक्रम वाराणसी में होंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा को बिजनेस समिट के लिए चुना गया है, ये समिट 18 से 19 अगस्त को होगा। ऐसे में प्रशासन इन शहरों में मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कमर कस चुका है। जो डेलीगेशन है वो अलग अलग डेट में विजिट कर रहे हैं। जो हमको सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार शनिवार को डेलीगेट्स आगरा फोर्ट का भ्रमण करेंगे और रविवार को शायद
ताजमहल का करेंगे, तो उसी के लिए हमने नोटिफिकेशन एक निकाला हुआ है। अब शनिवार को आगरा किला आम पर्यटक के लिए बंद रहेगा सनराइज टू सनसेट, और ठीक उसी तरह से 12 तारीख को अर्थात रविवार को सनराइज टू सनसेट आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। माह अगस्त तक चार महानगरों में G20 के विभिन्न मीटिंगें होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि इन तैयारियों के तहत G20 सम्मेलन के मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्रदेश के लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है। ये तस्वीरें ललितपुर से आई हैं, जहां 15 सदस्यों की ये टीम लोक गीतों के रिहर्सल में जुटी है। इतना ही नहीं, सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश की समृद्धशाली संस्कृति से परिचित कराने के लिए काशी, अयोध्या, मथुरा, आगरा और बुंदेलखंड के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। योगी सरकार ये सारी कवायद इसीलिए भी कर रही है ताकि ब्रांड यूपी को दुनिया के बड़े देशों के सामने मजबूती से रखा जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। अयोध्या में रामलला का दरबार सज रहा है तो लखनऊ में उनके अनुज यानी लक्ष्मण जी की अद्भुत मूर्ति छटा बिखेरने को तैयार है। लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही देसी विदेशी सैलानी उतरेंगे, उन्हें भारतीय धर्म और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी इस मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। उम्मीद यही की जा रही कि यूपी में G20 सम्मेलन से पहले ही लोगों को इस भव्य प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। अनावरण नहीं होने की वजह से यूं तो लक्ष्मण की इस मूर्ति का ज्यादातर हिस्सा कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन आकार प्रकार से मूर्ति की भाव भंगिमा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हाथ में धनुष कमान है रामानुज की ये मूर्ति। श्री लक्ष्मण जी के चरित्र, सेवा भाव और रौद्र रूप के दर्शन कराती है। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने इस भव्य मूर्ति का निर्माण किया है। लक्ष्मण की कांसे से बनी ये मूर्ति 12 फीट ऊंची है, जिसे 6 फीट ऊंचे स्तंभ पर लगाया गया है ताकि दूर से ही सैलानियों को इसके दर्शन हो सके। लक्ष्मण की मूर्ति को यहाँ पर खड़ा किया गया है और अगर आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो आपको अंदाजा यहाँ पर लगेगा कि रौद्र रूप में आपको यहाँ पर लक्ष्मण नजर आएंगे। उनके हाथ में आपको धनुष नजर आएगा, एक हाथ में एक तीर लिए हैं, पीछे तमाम तीर रखे हैं और एक उस वनवासी के वेश में नजर उसमें आ रहे हैं जो युद्ध करने को लेकर ललायत हैं। आप अगर मूर्ति के साइज को देखेंगे, लगभग 12 फीट की ये मूर्ति है, 12 फीट की मूर्ति है, नीचे 6 फीट का एक एलेस्टर लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मुझे 18 फीट की लगभग दिखाई पड़ती है। तो ये मूर्ति है, ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। तैयार करने के लिए ब्रॉन्ज यानी कांस्य का उपयोग किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने कई बड़े महापुरुषों की मूर्तियां इससे पहले भी बनाई हैं। उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिली, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। राम सुतार 90 साल के ऊपर हैं और लगभग 50 साल से मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।